एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाते थे, जब वहां पर उतारे वैसे तो एकदम उबड़ हुए जो एकदम ऐसे हुए, लेकिन जब वो नृत्य करते थे ना, कहते जब वो नृत्य करते थे 5-6 हाथ को वो छलांग लगा लगा करके, छलांग लगा लगा करके वो नृत्य करते थे। जब वहीं पर ले गए तो उन्हें जोर जोर से नृत्य किया और बोले यही जो स्थान है मेरे श्री सच्चिदानंद गौर हरि का, यही जन्म स्थान है, सच्चिदानंद गौर हरि यहीं पर जन्म लिया था। उन्हें जोर जोर से छलांग लगा लगा करके उन्हें कीर्तन नृत्य किया। इसलिए कहते हैं गौर आविर्भाव निस्तम निर्दिष्टा सुजन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ आय नमः। इसलिए महाप्रभु का जन्म स्थान को उन्होंने ही निर्दिष्ट किया है। जब वहाँ पर भित्ति खनन किया जगन्नाथ दास, श्री जगन्नाथ दास कहते इनकी जगन्नाथ मिश्र का जो पूजी का जो अध्यक्ष जो विग्रह है मूर्ति है वहीं पर वहीं से उन्हें मिला, वहीं से मिला है तो उनको पूरा स्थिर हो गया यही स्थान ही श्री सच्चिदानंद गौर हरि का जन्म स्थान है। इसलिए इनको बताया वैष्णव सार्वभौम श्री, मतलब है जिस समय वो आए तो विशेष करके तीन धाम, एक गौर धाम, एक नवद्वीप धाम, एक जगन्नाथपुरी धाम और एक श्री वृंदावन धाम, कहते तीनों धाम में ये इनका जो नाम था इसलिए इनका था वैष्णव सार्वभौम, मतलब समस्त भूमियों के ऊपर वैष्णव जगत में, संपूर्ण वैष्णव जगत में जिनका नाम सर्वश्रेष्ठ रूप में था, इसलिए उनको सिद्ध बाबा कहते थे। इनको सिद्ध उन्होंने आकर के इन्होंने ये चीज को उन्होंने पुनः उन्होंने उजागर किया है और श्री भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद आए और धीरे धीरे भक्ति धर्म को उन्होंने प्रचार किया। कभी जो महापुरुष है इनके जीवन में कुछ विशेष विशेष कुछ अच्छी अच्छी शिक्षाएं हैं। इनका एक शिक्षा थी कहता अपरिपक्व अवस्था में, अपरिपक्व मतलब जब तक ये पक नहीं जाए उनको अनधिकारी की चर्चा नहीं भूलते थे। जैसे जब ये रहते थे सूर्य कुंड में, एक समय कुछ लोग आए, बाबा जी आए, बोले इनसे हम राग मार्ग की और इनसे हम सिद्ध प्रणाली को ग्रहण करेंगे। आ करके क्या करते थे, बस माला लेकर बैठ जाते थे, संस्कार बनेगा है? संस्कार बनेगा, जब पर संस्कार बनेगा ना फिर आगे धीरे 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 भजन कर सकते हो, बगैर संस्कार के कोई भी भजन कर नहीं सकते। इसलिए हम बद्ध जी है जन्म जन्मांतर से माया में फंसे हुए थे, इसलिए उन्होंने कहा जाओ तो खेती में बैगन और साग सब्जी बो, जब उठे उगेगा फिर ठाकुर के सेवा में लगेगा, फिर वैष्णव की सेवा में लगेगा, फिर तुम्हारी कुछ सुकृति बनेगी, फिर सुकृति बनेगी ना फिर जाकर के भजन कर सकते हो। बोला हम तो घर में यही काम करते, वही काम छोड़ कर यहाँ पर आए, फिर ये कह रहे फिर बैगन का पेड़ लगा और साग सब्जी लगा है, बोले ये थोड़ा इतना लिखा पढ़ा है नहीं ना, इनको इतना पता नहीं। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जब आएंगे वो लिखे बड़े व्यक्ति है, उनसे पूछे तो भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा ये बाबा जी महाराज जो बोल रहे हैं ये सही बोल रहे हैं, ये सिद्ध महात्मा है, इसलिए जैसे बोलते हैं वैसे करो, अभी हम संस्कार रहते हैं। इसलिए वो कभी भी अनधिकारी व्यक्तियों को कभी भी उन्होंने जो अनधिकारी का जो चर्चा है इनको करने ये नहीं, तुम्हारी जो अधिकार उसी अधिकार में रहते हुए अपना साधन भजन हमें धीरे धीरे करनी चाहिए अपो को अवस्था में। इसलिए प्रभुपाद कहते थे इचुड़ा पका, इचुड़ा पका मतलब होता है इचुड़ा मतलब कटहल, बंगाल में कच्चा कटहल भी ज्यादा खाते हैं, कच्चा कटहल ज्यादा खाते हैं, इसलिए अगर वो कच्चा कटहल है वो और एक कथा होता कटहल होता है पक्का कटहल है, जब कच्चा अवस्था में उसको एक तरह से तरह सब्जी बनाकर खाते हैं, फिर जो पुष्ट हो जाती है वो पक जाती है। अगर कच्चा कटहल को तोड़ दो और उसको जोर जबरदस्ती दबा दबा कर गर्म रखकर उसको पका दो ना, फिर कच्चा भी नहीं खा सकते हो पक्का भी नहीं खा सकते हो, मतलब दोनों से ही वो गया। इसलिए प्रभुपाद बोलते थे इचोड़ा पाका, इचोड़ा पाका मतलब होता है अनधिकार चर्चा
और अधिकार आने से पहले अपने आप को कोई मंजरी मान लेना, कोई सखी मान लेना, राधा जी का हमें ये दासी मान लेना, हमारी ये उम्र है, हमारी ये सेवा है, भले ये चीज अनर्थग्रस्त अवस्था में नहीं होता है, ये अपराध है। इसलिए गुरुदेव कहते थे जब साधन भजन करते 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 आसक्ति स्थिति आती है तभी इसकी थोड़ी सी अंकुर आता है, थोड़ी सी ये चीज अंकुर आता है, फिर जैसे जब धीरे धीरे भाव अवस्था आता है उसको शरीर में फिर नौ लक्षण दिखाने पड़ता है, शांति, अभ्यर्थक आलतम, विरक्ति, मान शून्यता, आशा बंध, समुद्घटा, नाम गान सदा रुचि, आसक्ति तदगुणाख्याने प्रीति तद्वश शीतल, कहते ये नौ गुण उसके अंदर में दिखाई पड़ता है। ये सब चीज नहीं आने से पहले ही अगर हमने सोचने लग जाए हम ये मंजरी हमारी ये सखी, तो प्रभुपाद कहते ये इचोड़ पका है, ये अनधिकारी चर्चा है, पेड़ के ऊपर नहीं चढ़ करके जोर जबरदस्ती फल को खींचना है, एक तरह का अपराध है। इसलिए अभी हमारे जो स्थिति उसी स्थिति में रह करके भगवान के धीरे धीरे भजन करनी चाहिए, फिर धीरे 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 श्रद्धा साधु संघ भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति रुचि निष्ठा धीरे 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 ये चीज धीरे धीरे आती है। इसलिए जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज कभी भी अनधिकार चर्चा करने के लिए मना करते थे, उनकी ये एक शिक्षा है। कहते हैं कि दूसरी शिक्षा क्या है, इनकी दूसरी शिक्षा है गौर जे लायल नाम से नाम लव आर जो तो छड़ा नाम पूरे रख जाओ। इसका मतलब है श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जगत में जो नाम लाए केवल उसी नाम को ही करो, आर जो तो छड़ा नाम, छड़ा नाम मतलब होता है परवर्ती समय में कुछ लोग ने अपना मनमानी ढंग से कुछ नए नए महामंत्र बना दिया, जैसे निताय गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम, ये श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद, तो भैया इसको कहाँ से मिला है, कहते हमारे गुरु जी को स्वप्न में आया ये नाम, बोले तेरे गुरु जी को स्वप्न में आया, मैं बोलूंगा मेरे गुरु जी को स्वप्न में ही आया, वो बोलेगा उसके गुरु जी के स्वप्न में ही आया। अभी ये स्वप्न में आया नाम करेंगे ना, जिस नाम को श्री चैतन्य महाप्रभु ने लिया, जिसको कलि संतरण उपनिषद में बताया है, और जिसको भविष्य पुराण में बताया कलियुग का जो महामंत्र है इति षोडशत नामनम कलि कलमश नाशनम नात परत उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते, इसलिए पुराण में बताया ये जो 16 नाम और जो 32 अक्षर ही ये कलियुग का जो कलमस ये पाप को यही नष्ट करने वाले, नात परत उपाय और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं जह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामचारत न सम सिद्धि मापनोति है न सुखम न पराम गति। इसका मतलब है कृष्ण कहते अर्जुन मैंने शास्त्र में जो जो विधान दिया है अगर ये विधि विधान को परित्याग करके अपना मनमानी ढंग से जो व्यक्ति कुछ करते हैं जीवन में सिद्धि भी नहीं मिलती और जीवन में उसको शांति सुख भी। इसलिए पंचरात्र विधा विधे बिना एकांतिक हरि भक्त उत्पाद रे वो केवल, इसलिए इसलिए जो शास्त्र में जो विधि विधान दिया उसको छोड़ करके भले ही दिखाई पड़ता है बड़े एकांतिक हरे कृष्ण हरे राम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद है, कहते एकांतिक हरि भक्ति जितने भी दिखता है बड़े एकनिष्ठ होकर कर रहे हैं, कहते उत्पाद रे वो केवलम, वो एक उत्पाद बनता है, वो केवल एक उत्पाद बन जाती है, उसको भजन भजन कुछ है नहीं। इसलिए जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज बताए, इसलिए पुराण में चार जू का चार महामंत्र ऑलरेडी शास्त्र में बता चुका है, इसलिए कलि जू का जो महामंत्र हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे, ये कलयुग का यही महामंत्र। महामंत्र, इसी मंत्र को हमें कलयुग में जप करेंगे तो इसी को द्वारा ही कल्याण। श्री मनु चैतन्य महाप्रभु भी यही नाम को लिया है, और जिन्होंने जिनको उन्होंने नामाचार्य रूप में बोले हैं श्री हरिदास ठाकुर, उन्होंने भी यही नाम को ग्रहण किया।
श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी यही नाम को ग्रहण किया। नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज उन्होंने यही नाम को ही किया है अपना मनमाने ढंग से, कोई नाम को उन्होंने ग्रहण नहीं किया। इसलिए इनकी ये एक विशेष इनकी शिक्षा है। दूसरी जो शिक्षा है, कोई कोई कहते हैं जप नित्याय गौर राधे, जप हरे कृष्ण हरे राम भजन नित्याय गौर राधे श्याम, कोई कहते हैं जप हरे कृष्ण हरे राम, कोई कहते हैं अरे भगवान के तो हरे कृष्ण महामंत्र को जोर से नहीं बोलनी चाहिए, जप उसको जप करनी चाहिए और नित्याय गौर राधे श्याम उसको कीर्तन करनी चाहिए और हरे कृष्ण महामंत्र को जप करनी चाहिए। ये भी कोई कोई लोग, कोई अपसंप्रदाय का लोग कहते हैं नहीं, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र इसको स्मरण भी कर सकता हो, इसको उपास भी कर सकता हो, इसको कीर्तन के द्वारा भी कर सकता हो। इसलिए श्री सर्व स्वामी का अष्टक में कहते हैं हरे कृष्ण ईत उच्चई स्फुरित रसना नाम गणना, कहते श्री चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण इति उच्चई, ये हरे कृष्ण महामंत्र को उच्च कीर्तन करते थे, कोई बात नहीं इसको उच्च कीर्तन नहीं कर सकते, मैं बोले ये छह गोस्वामी का अष्टम में लिखा हुआ वो उच्च हरि कीर्तन करते थे। इसलिए हरिदास ठाकुर को जब पूछा गया तो इतना चिल्ला चिल्ला कर क्यों ये हरे कृष्ण नाम लेते हो, तो उन्होंने बताए ये बताओ एक व्यक्ति कमा करके खुद खाता है, एक व्यक्ति कमा करके पूरा परिवार को खिलाता है, बताओ दोनों में श्रेष्ठ कौन, तो जो परिवार को खिलाते हैं। तो उसी तरह जो व्यक्ति मन मन में हरि नाम करते हैं उनको जो पुण्य मिलेगा, जो व्यक्ति जो स्वर में हरि नाम करते हैं जैसे लता पता पेड़ पौधा जानवर जैसे भगवान का नाम नहीं ले सकते हैं, जो उनको कान में ही हरि नाम पड़े उनका भी कल्याण होगा। इसलिए पुराण से उन्होंने श्लोक उद्धृत किया जप तो हरिनामान स्थाने सत्त गुण अधिक, मतलब है जो व्यक्ति धीरे धीरे हरिनाम करते हैं उनको जो फल मिलता है उससे 100 गुण ज्यादा फल मिलता है जो कोई उच्च संकीर्तन करता है। इसलिए इन्होंने बोले भगवान का जो नाम है उच्च कीर्तन करनी चाहिए, इसलिए इनका ये एक सिद्धांत है। ये तो है और इनको सबके सब बोलते थे ये सिद्ध महात्मा। एक समय जब श्री नवद्वीप धाम में रहते थे कुछ बड़े बड़े उच्च पोस्ट के लोग, बोले भैया इधर बड़े सिद्ध महात्मा, चलो थोड़ी सी इनकी सिद्धाई देख करके आते हैं कैसे सिद्ध महात्मा। जब इनके पास में पहुंचे तो उन्होंने बोले क्या बात है किस लिए आए, बोले हमने सुना है आप बहुत बड़े सिद्ध महात्मा है, हम तो सिद्धाई देखने के लिए आए। उन्होंने एक डंडा निकाले और डंडा निकाल करके तो उन्होंने जमीन पर जोर जोर से मारने लग गए। वो जो थोड़ी ऊंचे सीखे थे ऑफिसर पर भी चले गए थे, बोले भैया बाबा जी महाराज आज क्या हो गया, आज इतने बड़े गुस्सा क्यों कर रहे हैं, इतने क्रोधित क्यों हो रहे हैं। जब उन्होंने बोले नहीं मैं क्रोधित नहीं हो रहा था, वृंदावन में श्री लोकनाथ दास बाबा जी महाराज की बगीचा में तुलसी बगीचा में कुछ बकरी घुस करके वो तुलसी पेड़ को खा रहे थे, मैंने यहाँ से उनको मार मार कर भगा दिया। बड़ा आश्चर्य लगा बैठे हुए नवद्वीप में वृंदावन में, वृंदावन में लोकनाथ दास बाबा महाराज के बगीचा में बकरी खा रहे तुलसी पौड़ा को यहाँ भगाए। तो उन्होंने टेलीग्राफ किया तो ठीक इतने समय पर हैं वहाँ पर लोग थे, देखो तो यहाँ पर कोई बकरी कोई तुलसी पेड़ खा रहे थे किसने भगाया। तो टेलीग्राफ किया तो उन्होंने सचमुच से कुछ लोग जाकर के देखा, बोले हाँ कुछ बकरियों का पैर का खुर पड़ा हुआ और किसी ने उनको बड़े जोर जोर से मारा है और वहाँ पर उनका लोम वहाँ पर पड़ा हुआ है और मारा उनको वहाँ से उनने किसने भगाया, मतलब वो बैठे हुए कहाँ पर नवद्वीप में, नवद्वीप में और भगाया बकरी वहाँ से उन्होंने भगाया। कहते इनको लोग कुछ प्रणाम देते थे, कुछ लोग इनको पैसा देते थे, लेकिन ये क्या करते थे उसी पैसा से वो रसगुल्ला खरीदी करते थे। रसगुल्ला खरीदी करके किसको, पहले धाम पास जो गैया हुआ ना ये उनको उत्सव खिलाते, इनको उत्सव खिलाते
बोले भैया गैया को क्यों खिलाते हो? बोले ये धामवासी, ये धामवासी गैया है। बोले सब बाबा जियों को क्यों नहीं खिलाते हो? बोले सब भ्रष्टाचार है। बोले ये सब बाबा जी ने धारण किया है, लेकिन ये चरित्र ही इन लोग है, इसलिए इनको से ये गैया धामवासी है, क्योंकि उनको अपराकृत बुद्धि धाम, इसलिए इनको पास में कुछ पिल्ला कुत्ता होता था ना, वो तो आंख बंद कर, वो तो आंख बंद करके रखते थे, आंख बंद कर रखते थे, इसलिए चार पांच कुत्ते का पिल्ला तो होता था। जब वो खाना खाते थे ना, वो पिल्ले के वो खाना खिलाते थे, और उनका जो सेवक बिहारी जी था, अगर एक दो पिल्ला को अगर उसने कहीं छुपा दिया ना, तो ऐसे ऐसे गिरते थे, एक दो तीन, बोले बिहारी और दो कहाँ है, और दो अगर नहीं ले आओगे ना, हम खाना नहीं खाएंगे, फिर वो दो ले आओ, क्योंकि वो अपराकृत बुद्धि से धाम बुद्धि से धाम। रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं जत गुल्म लता तिकट मुखई, कहते जितने ब्रज का वृंदावन धाम की जितने गुल्म लता कीड़े मकोड़े कौन है, कहते लीला अनुकुलम, ये सब के सब प्रभु के लीला में ये मदद करने वाले हैं, सब के सब वो अपराकृत बुद्धि थे, सब चीज को देखा करते थे। इसलिए कभी कभी ये एक समय इन्होंने सिर्फ बिहारी जी को बोले जा बाजार से एक चैतन्य चरितामृत खरीद करके लाओ, तो उन्होंने गए एक चैतन्य चरितामृत खरीद करके लाए, बोले हमको पढ़ करके सुना, बोले हमको तो अनपढ़ है, अब पढ़ करके सुना, बोले खोलो ना, खोलो ग्रंथों को। उन्होंने खोले, खोल कर बोले देखो ठीक से, तो उन्होंने देखे, देखते देखते उन्होंने ऐसे शक्ति संचार किया ना, ऐसे शक्ति संचार को अनपढ़ है संपूर्ण रूप में, लेकिन उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया, और पूरी चैतन्य चरितामृत उनको रोज बैठ बैठ कर बाबा जी महाराज को सुनाया करते थे। मतलब इनके अंदर में इतनी शक्ति थी, इतनी शक्ति थी, इन्होंने जो अनपढ़ व्यक्ति का हृदय में भी दिव्य ज्ञान को संचार करा के उनको ही कहते ना चक्षुदान दिला जाई जन्म जन्म प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, इसलिए अनपढ़ व्यक्ति का हृदय में भी दिव्य ज्ञान को ये संचार कर देते थे। इसलिए इनकी बड़े अद्भुत अद्भुत चरित्र हैं जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज जी का, और इन्होंने श्री भक्ति विनोद ठाकुर को लेकर के इन्होंने इन्होंने सबके सबको लेकर के इन्होंने हरि कीर्तन उन्होंने प्रचार किया था, भक्ति विनोद ठाकुर ये लेकर बहुत सारे भक्तों को लेकर के चैतन्य महाप्रभु का जो कीर्तन उन्होंने निकला था, हजार हजार लोगों को लेकर के उन्होंने कीर्तन निकाला था, और इन्होंने जब देखा श्री प्रभुपाद बड़े उच्च शिक्षित है, तो उन्होंने प्रभुपाद को उन लोगों ने बोला था, भक्ति विनोद ठाकुर गौर किशोर दास बाबाजी महाराज जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज प्रभुपाद की विद्वता को देख कर बोले बेटा तुम भविष्य में तुम चैतन्य पंजी का निकालना, भविष्य में महाप्रभु का जो वाणी को जगत में प्रचार और प्रसार करना वाणी को। इसलिए जब ये गुरुवर्ग सबके सब अंतर ध्यान हो गए, इस समय प्रभुपाद ब्रज कथन में जहाँ पर महाप्रभु का जन्म स्थान वहीं पर बैठ कर गए, जो उपदेशामृत ग्रंथ है उसका टीका लिख रहे थे, लिख लिख करके सोच रहे थे हमारे गुरुवर्गों ने हमें इतने सारे आदेश दिया महाप्रभु का वाणी प्रचार करना, मेरे पास में जन बल नहीं अर्थ बल नहीं, मैं अकेला क्या करूँ, इसलिए एक श्लोक का उन्होंने टीका भी लिखे थे, लिख करके उसको रख लिए, मतलब थोड़े से निरुत्साहित हो गए मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। तो फिर जब उन्होंने सोए ना स्वप्न समाधि में देखा, देखा श्रीमन महाप्रभु परिकर को साथ में प्रकट हुए थे, प्रकट होकर के और सारे गुरु वर्ग उन्होंने सबके सब प्रकट हुए और प्रभुपाद का आश्वासन दे रहे हैं, बोले ओ तू सोच रहे हो तेरे पास में जन्म बल नहीं अर्थ बल नहीं, हम कैसे प्रचार करेंगे, बोले कोई चिंता मत करो, हम सबके सब तुमको हम मदद करते हैं, हैं इसलिए तुम पीछे पीछे सारे अर्थ बल जन बल भेजेंगे, और भविष्य में बड़े उच्च शिक्षित लोग आएंगे, इसमें बड़े उच्च शिक्षित लोग आएंगे और तुमको मदद करेंगे महाप्रभु का वाणी प्रचार करने के लिए। तो प्रभुपाद जब देखा गुरुवर्ग लोग ऐसे बोले, प्रभुपाद कहते हैं मैं तो बड़े निरुत्साहित हो गया था, अकेला क्या करूँ, उसके बाद में मेरे को इतने उत्साह मेरे मन में आई,
फिर जैसे लाख करोड़ गुण उत्साह आ गया, फिर तो ग्रंथ प्रकाश करना, प्रचार करना फिर लग पड़ा मैं। फिर सचमुच से धीरे 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 प्रभुपाल के जितने शिष्य लोग आए ना, इतने उच्च शिक्षित लोग, इतने लिखे पढ़े लोग, अच्छे अच्छे लिखे पढ़े लोग, अच्छे अच्छे प्रभुपाद का शिष्य में। जैसे महाप्रभु जब आए, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जी पे दया करी, सपार सदस्य राम सावत, उसी तरह प्रभुपाद भी जब आए, पूरा अपना परिकरम को लेकर आए, परिकरों को लेकर आए, एक से एक उच्च शिक्षित है, एक से एक पढ़ाई, एक से एक धुरंधर थे। जैसे महाप्रभु किसको द्वारा सिद्धांत को स्थापन, किसको द्वारा सुख स्थापन, किसको द्वारा अपने संबंध ज्ञान स्थापन, किसको द्वारा हरि नामाचार्य हरिदास ठाकुर को, अलग अलग द्वारा जैसे किए प्रभुपाद, तब शिष्य लोग भी यही थे। प्रभुपाद देखते थे जब लोग बैठे हुए ना, लोगों को देखते थे, देख करके फिर लोगों को खड़े करते थे। कोई कोई से महाराज को अंग्रेजी बोलेंगे तो लगेगा जैसे अंग्रेज साक्षात बोल रहे हैं, अंग्रेजी कोई अंग्रेज जैसे बोल रहे हैं। तो भक्ति हृदय बन बन महाराज थे, इतने अच्छे अंग्रेजी बोलते थे, अच्छे इतने अच्छी। और कोई भक्ति रखे श्रीधर महाराज थे, इतने संस्कृत और महापुरुष का फिलोसफी के ऊपर में ऐसे बोलते थे। हमारे जो गुरुपाद में थे, सारे अपसंप्रदाय को खंडन करना, तोड़ना फोड़ना सब के सब, और भक्ति तो माधव गोस्वामी महाराज अनुपति थी, ये मठ मंदिर स्थापन करते हैं। कहीं अगर एक 7 दिन रुक गए तो एक मठ स्थापन कर देते। मतलब ऐसे ऐसे ये सब के सब ऐसे ऐसे धुरंधर थे, और इन लोगों ने ऐसे ऐसे महापुरुष का वाणियों को इन लोगों ने प्रचार किया है। इसमें आज श्री रसी का मुरा रसिकानंद प्रभु जी का भी आज तिथि है। कहते ये रसिकानंद प्रभु जी ये बड़े बलवान आचार्य हुए, बड़े शक्तिवान ये आचार्य हुए, इसलिए कहते इनके, कहते इनका जो गुरुदेव हुए श्री श्यामानंद प्रभु, इनका गुरुदेव हुए। इसलिए श्री श्यामानंद प्रभु जो बहुत बिहल हो गए, मेरे गुरु जी कब मिलेंगे, मेरे गुरु कब प्राप्त होंगे, मेरे गुरु जी कौन बनेंगे, इतने में स्वप्न में उन्होंने गुरुदेव को दर्शन किया। स्वप्न में जो बिहल हो गए, एकदम आरती उत्कंठा, स्वप्न में दर्शन दिए, बोले बेटा तुम कोई चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ। सचमुच से गुरु जी स्वप्न दिए, और दूसरे दिन देखा गुरु जी को आते हुए मिल गया, और गुरु जी के चरण में उन्होंने कैसे प्रणाम किया, और कैसे उन्होंने श्री उनके चरण में, श्यामानंद प्रभु का चरण में उन्होंने कैसे शरणागति हुई। और ये इतने प्रभावशाली साधु थे, इतने प्रभावशाली साधु थे, जब ये प्रचार करते थे, हजार हजार लोग इनको पीछे पीछे चलते थे, भगवत अवतार है रसिकानंद प्रभु, ये भगवत अवतार है, हजार हजार लोग इनको पीछे पीछे चलते थे। और उस समय चला मुसलमान राजत्व, मुसलमान राजा कर गए थे, इसलिए अभी मुसलमान ने देखा ये इसको पीछे हजार हजार लोग चल रहे हैं, हजार हजार लोग इनको फॉलो कर रहे हैं, तो बड़े आश्चर्य हुई। इसलिए उन्होंने क्या किया, एक समय वो नदी में स्नान कर रहे थे तो पागला हाथी बुलाए, वो पागला हाथी को भेज दिया, बोले इसको मारो। लेकिन जो पागला हाथी उनके पास में गया ना, इतने में उन्होंने उठाया पानी, पानी उठा करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, बोलकर उनको ऊपर में छिड़काव कर दिया। छिड़काव कर दिया तो वो जो पागला हाथी था वो भी सूंड उठा करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो भी हरे कृष्ण नाम जप करना शुरू कर दिया है। और उन्होंने उसको कानन मंत्र दिया, गोपाल मंत्र दे दिया, और उनके चेला बना दिया, और उसका नाम दे दिया, तुम्हारा नाम है कृष्णदास गोपाल दास। और उसने किया क्या, गुरुदेव चेला बनाया, अभी चेले को तो आगे विचार करनी चाहिए, वो गया जंगल में और सब सारे हाथी को बुला कर ले आया, बुला कर ले आया, और गुरु जी को चेला बनाया, हमारे गुरु जी का चेला बना, इसलिए उन्होंने सब हाथियों को भी उन्होंने चेला बना दिया, हाथियों को चेला बना दिया। अभी इनको प्रभाव को सुन करके कोई एक जोगी था, उनने सुना ये तो बहुत बड़ी हाथियों को भी चला बना दी है, बड़े प्रभाव है। उसने क्या किया, वो एक शेर के ऊपर बैठ करके हैं इनको साथ में मिलने के लिए आए, इसको इसको दिखाना आ रहा थे तुम क्या हाथियों को पाप ये बनाया, अरे हम तो शेर को पीठ के ऊपर बैठ करके आया, हम देख उसको दिखाने के लिए आया। जब आया उनका शिष्य बाहर खड़ा हुआ था, बोले गुरुदेव है
रसिकानंद प्रभु बोले हे बोले उनको जो बोल दो कोई उनको हाँ कोई जोगी बुला रहे हैं वो बैठ करके एक दीवार के ऊपर बैठे दांतन कर रहे थे ब्रूस कर रहे थे हाँ जी उनको पता चले गया वो हमको अपना सिद्धाई को दिखाने के लिए आया जो दिखाने के लिए आया वो जो दीवार के ऊपर बैठते ना वो दीवार भी चलना शुरू कर दिया हाँ वो दीवार भी चलना शुरू कर दिया ये मिट्टी का दीवार चल रहा है दीवार चल रहा है उसने फिर शेर को हाँ वो तक जीवंत जानवर को उन्होंने वशीभूत किया था और जड़ में उन्होंने प्राण संचार कर दिए फिर उन्होंने उतर करके उनको चरण में राम किया मतलब ऐसे ये प्रभावशाली ये आचार्य श्री रसिकानंद प्रभु हाँ ये भगवत अवतार श्री रसिकानंद प्रभु और लास्ट में रसिकानंद प्रभु उन्होंने अपना शिष्य प्रशिष्य को लेकर के जब श्री खीरचरा गोपीनाथ में आए वहां पर बैठ कर कीर्तन करते करते उन्होंने अंदर में चले गए और अंदर में जाकर के जो खीरचरा गोपीनाथ था ना उनके शरीर में उन्होंने समा लिया और चलते समय उनका वस्त्र गिर पड़ा उसी वस्त्र को लेकर के वहां पर समाधि बनाया और उनका जो शिष्य लोग थे गुरुदेव जब चले गए उनका विरह में भी शिष्य लोगों ने भी शरीर को त्याग दिया अभी उनका शिष्य का जो समाधि मंदिर है उसी मंदिर में समाधि मंदिर भी बनी हुई इसलिए ये बड़े प्रभावशाली आचार्य हो गए श्री रसिकानंद प्रभु और इन्होंने हमारे उड़ीसा में ना उड़ीसा में उन्होंने बहुत प्रचार किया और उनका जो गुरुदेव श्री श्यामानंद प्रभु है जैसे नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास है इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर तो उन्होंने प्रचार किया उन्होंने श्री मणिपुर में श्रीनिवास आचार्य प्रचार किया बंगाल में और श्री श्यामानंद प्रभु जो प्रचार किया हमारे उड़ीसा में प्रचार किया उड़ीसा में अभी भी उनको प्रचार स्थली है बड़े सुंदर स्थान वहाँ पर है उनका प्रतिष्ठित विग्रह है श्री श्यामानंद प्रभु का सुंदर प्रतिष्ठित विग्रह है ठाकुर जी इसलिए बड़े सुंदर ठाकुर का स्थापन किया फिर उन्होंने वो ठाकुर जी का सेवा उन्होंने श्री रसिकानंद प्रभु को अर्पण किया है अभी भी हमारे उड़ीसा में विभिन्न स्थान पर इनके प्रतिष्ठित विग्रह अभी भी प्रतिष्ठित विग्रह है अभी भी उनका नाम उड़ीसा में प्रचार प्रसार हो रहे हैं इसलिए उन्होंने श्री रसिकानंद प्रभु का आज इनकी तिथि है तथा आज श्री भक्ति दैत श्री माधव गोस्वामी महाराज जी का भी आज श्री तिथि है जो भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज ये सबके सब प्रभुपाद का आश्रित है इसलिए अभी हम सुन रहे थे प्रभुपाद स्वप्न समाधि में देखा महाप्रभु बोले कोई चिंता मत करो मैं तुम्हारी पीछे पीछे सारे भक्तों को मैं भेज रहा हूँ चिंता मत करो सचमुच से ये सब महापुरुष लोग सब महाप्रभु के द्वारा प्रेरित महापुरुष है ये प्रेरित महापुरुष है प्रभुपाद का जितने शिष्य है कहते इनका जन्म कहाँ हुआ है कहते पूर्व बंगाल पूर्व बंगाल में गांव का नाम याद नहीं आ रहे पंचरे का पुसु या कोई गांव है उनका कहते वो जो गांव था वहां पर पद्मा नदी है जब श्री चैतन्य महाप्रभु ये संसार छोड़कर गए ये पद्मा नदी को बोले देख पद्मा तेरे पास में मैं अपना प्रेम को रख करके जा रहा हूँ भविष्य में एक बहुत बड़ा साधु आएगा ये प्रेम तो उनको प्रदान करना बोले हमें पता कैसे चलेगा वो इतने बड़े साधु है बोले उसका चरण स्पर्श होते ही अपने आप पानी तेरे उपन्त रहेगा अपने आप फिर पता चलेगा वही महापुरुष है जब श्री नरोत्तम दास ठाकुर जन्म हुए जब आकर उनका चरण स्पर्श हुआ पानी अपने आप उफनने लग गए उफनते समय पद्मा को पता चला यही वही महापुरुष पहले महापुरुष का प्रेम श्री नरोत्तम दास ठाकुर को दिया फिर जब उसने उफना पानी इतने में हवा आई वो हवा वो उफन हुआ पानी में लगा वो हवा जिस तरफ में चली गई हमारे जितने गुरुवर गए हमारे जितने प्रभुपाद आश्रित है ना सबके सब उधर से आए सारे को सारे उधर से आए भक्ति माधव महाराज भी मेरे गुरुदेव भी भक्ति प्रज्ञान के सब गोस्वामी महाराज भक्ति गोस्वामी महाराज ये सबके सब उसी तरफ से आए सारे को सारे इसका मतलब है महाप्रभु का प्रेम जो गया है ये सबके सब महाप्रभु का प्रेम अवतार सबके सब महापुरुष है इनके शरीर में भी प्रेम का स्पर्श किया स्थान पवित्र स्थान है ये उसी तरफ से ये महापुरुष हुआ है कहते भक्ति माधव गोस्वामी महाराज कहते इनका जो जन्म है ना ये अद्भुत जन्म है
इन्होंने उत्थान एकादशी का दिन इनका जन्म हुआ। उत्थान एकादशी मतलब है जैसे चतुर्मास है ना, जो पहला जहाँ से शुरू होता है शयन एकादशी, भगवान 4 महीने के लिए सोते हैं और 4 महीने के बाद में उठते हैं। इसलिए जब इनका जो जन्म उत्थान एकादशी का दिन जन्म भी और उत्थान एकादशी का दिन इनका अंतर्ध्यान अप्रगट भी, दोनों ही एकादशी तिथि में जन्म हुए और एकादशी तिथि में उन्होंने अंतर ध्यान एकादशी तिथि में ये महापुरुष का भूल। इसलिए ये जो महापुरुष थे कहते ये राजवंश में जन्म हुए, राजवंश में इनकी जन्म हुई। और जो देखने में ना इतने सुंदर थे देखने में, अद्भुत सुंदर थे देखने में। इसलिए जब ये मंदिर में आए, जब प्रभुपाद के स्कूल से विदेश भेज रहे थे, इनको मना किया प्रभुपाद को, ये ब्रह्मचारी तो आप विदेश में मत भेजो, इनको भेजना नहीं, क्योंकि वो देखने में इतने सुंदर थे, लंबे चौड़े और इतने गोरे रंग के थे, एकदम गौरव वर्ण के थे, एकदम तप्त कांच में गोरे वर्ण के, सुंदर लंबे चौड़े, और किसी वंश में जन्म हुए, श्रेष्ठ ब्राह्मण वंश में जन्म हुए, ब्राह्मण वंश में इनकी जन्म हुई है। इसलिए और इन्होंने मंदिर स्थापन करने में मंदिर स्थापन करने में ये कहीं 7 दिन में ना एक मंदिर स्थापन कर देते। इसलिए ये वृंदावन में इनके मठ को मुझे कोई आए हैं, आपने बुलाया था सवेरे रिसेप्शन में। जी मुझे कल मीटिंग में भेजा। आप बैठ, मैं आता जी हूँ उधर पास। हाँ इसलिए इन्होंने विदेश मत भेजा। हाँ विदेश मत विदेश, तो इन्होंने जब उन्होंने सब कुछ छोड़ करके प्रभुपाद शरण में सब कुछ छोड़ करके वो चले गए थे हिमालय, भगवान को हिमालय बोले हिमालय में हम बच्चा के भजन करेंगे। वहीं पर जब उन्होंने गए और इतने में जो भजन किए उनका आकाशवाणी, नारद जी ने उन्हें आकाशवाणी किया, बोले तुम्हारी गुरुदेव बंगाल में जन्म हो गए हैं, स्वयं आकाशवाणी से बोले बंगाल में तेरे गुरुदेव प्रकट हो गए, तो बंगाल चले जा, हैं नवद्वीप चले जा, वहीं पर तेरे गुरुपाद को तेरे को मिलेंगे, प्रभुपाद तुमको मिलेंगे वहीं पर। इसलिए जब आए वो देखने में बड़े सुंदर थे, इनको जो गंगा में जब स्नान करने के लिए हरिद्वार में गए, दो सेठ सेठानी हैं, वो उनका भाषण बहुत पैसा है लेकिन घर में कोई संतान थी नहीं, और ये देखने में साधु ये देखो जबरदस्त घर में बस दर्जा बंद कर दिया, हमारा पेटा बनने के लिए, लेकिन उन्होंने वहां से छुप करके ना उन्हें छुप करके भाग गए हैं, छुप करके भाग गए, सारे संपत्ति का लोभ को छोड़कर छुप कर भाग गए। और जो उन्होंने जो प्रभुपाद के पास में आए और उन्होंने उन आकाशवाणी हुई थी प्रभुपाद हमारे गुरुदेव प्रकट हो गए, फिर उन्होंने आकर के श्री प्रभुपाद का चरण में उन्होंने शरणागति हुई और संपूर्ण जीवन उन्होंने प्रभुपाद की सेवा में उन्होंने लगा दिया। और इन्होंने जो प्रभुपाद का जो जन्म जगन्नाथपुरी में, प्रभुपाद का जो जन्म स्थान इसी महापुरुष ने ही, प्रभुपाद का जन्म स्थान को इन्होंने कोर्ट केस बड़ी मुश्किल से। बहुत कुछ लड़ाई पढ़ाई करके प्रभुपाद का जन्म स्थान को इन्होंने प्रकाशित किया। और मायापुर में जो ईशोद्यान है, जो ईशोद्यान है इनका मंदिर श्री ईशोद्यान है, इन्होंने श्री ईशोद्यान को भी उन्होंने प्रकाश किया। इनको कहते थे भोलकेनी के नाम, क्या भोलकानी, वॉल्केनिक, हाँ बोलते वॉल्केनिक मतलब उसको क्या बोलते हैं आग्नेय ज्वालामुखी। ज्वालामुखी मतलब इनके अंदर में जो जो ये था ना, इनके अंदर उत्साह जो उत्साह था बहुत उत्साह, ऐसे मरे गए व्यक्ति नहीं पाया, उसे कुछ ब्रह्मचर्य था खाल और सो जा, कौन इनके अंदर, इनके अंदर में ये नहीं, एकदम प्रेत तेज हरि कथा में, हरि भजन में, मंदिर स्थापने में, प्रचार करने में। इसलिए बोलता था ना, ना अयम आत्मा प्रवचन करना, अयम आत्मा बल हील, इसका मतलब है इसका बलहीन व्यक्ति है उनको तो भगवत प्राप्त नहीं, खाए सोए कौन कर, इनका तो कुछ जिंदगी में नहीं होता। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं भक्ति करने के लिए तुम्हारे अंदर 6 गुण की जरूरत है, उत्साह निश्चय तत्कर्म प्रवर्तनात् संगतागत सत्प्रवृत्ति, ये 6 गुण होनी चाहिए तो भक्ति में बढ़ सकते हो। खाए पिए सो गए कौन करता है, कौन जाएगा वहाँ, कौन कर, ऐसे व्यक्ति का भजन भी नहीं होता है, दुनिया में कुछ भी काम इनसे नहीं होता, लेकिन उनके अंदर बड़े जोश है, बड़े जोश है, महापुरुष कथा प्रचार
एकदम गुरुदेव की सेवा में एकदम संपूर्ण जोश लगा करके ये करते थे। इसलिए इनकी अद्भुत अद्भुत जीवनी है और किसी समय में इनकी जीवनी कथा सुनी। ठीक है, गौर।